उद्यानस्येकवृक्षाधः परे हेमवते द्विज क्रीडन्तीं भूषितां गौरीं शुक्लवस्त्रां शुचिस्मितां देवदारुवने तत्र ध्यानैस्तिमितलोचनं चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटिलं चन्द्रशेखरं शुक्लवर्णमहादेवं ध्याय परममीश्वरम्। आज मैं फिर से अपने सभी समस्त शिष्यों और साधकों के बीच उपस्थित हुआ हूँ और एक विशेष प्रकार की शक्ति कह लीजिए, साधना कह लीजिए या एक प्रायोगिक तांत्रिक प्रयोग कह लीजिए, उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसके माध्यम से साधक अपने त्रिनेत्र को जागृत कर एक लोक से दूसरे लोक, भूलोक और किसी प्रत्यक्ष मनुष्य को अपनी आंखों को बंद करके देखने तक योग्य हो जाता है। इसके साथ ही जो त्रिनेत्र को लेकर के जो भ्रांतियां फैली हुई हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से जागृत होता है, किस प्रकार से त्रिनेत्र के विषय में पता चले कि जागृत हुआ किस प्रकार से है और जागृत करने की जो विधियां हैं वह मैं आप सभी के समक्ष अभी प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम त्रिनेत्र है क्या, यह दिखता कैसा है और कहां पर विराजमान होगा और शरीर में किस हिस्से में स्थापित होता है और यह कार्य करता कैसे है। त्रिनेत्र का जो कार्य है वह जैसे मैंने बताया कि साधक एक स्थान से दूसरे स्थान तक देखने के योग्य हो जाता है। त्रिनेत्र किसी भी प्रकार का कोई भूत, भविष्य, वर्तमान किसी भी साधक को प्राप्त नहीं कराता। जो सामान्यता प्राप्ति होती है वह किसी भी प्रकार का कोई भूत, भविष्य व्यक्ति को नहीं दिखाता। जो प्रत्यक्ष में अभी चल रहा हो, जो वर्तमान में चल रहा हो, उसको देखने के योग्य बना देता है कि व्यक्ति एक स्थान से बैठे बैठे दूसरे के वस्त्र का देख करके बता सकता है कि उसने किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं, किस रंग के वस्त्र पहने हैं, वह क्या कर रहा है, यह सारी चीज़ें वह देख सकता है। ना ही उसके बारे में कुछ पता कर सकता है, ना ही उसका भूत, भविष्य, वर्तमान कुछ नहीं देख सकता। दूसरी चीज, त्रिनेत्र दिखता कैसा नहीं है, ना ही कोई शरीर पर किसी प्रकार का कोई निशान बनेगा या कोई अन्य अंग जुड़ेगा। सिर्फ त्रिनेत्र एक मस्तिष्क में होने वाला एक कह लीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन है और कई विशेष प्रकार का अर्जुन चक्र जागृत होने के द्वारा ही आपको त्रिनेत्र जागृत होने की शक्ति मिलती है। तो त्रिनेत्र जागृत हो जाने वाले मनुष्य को खुद से ही पता बहुत समय बाद चलता है कि उसके त्रिनेत्र जागृत हुआ है और वह इन चीजों को देखने के लिए संभव है। अगर आपके पास गुरु हैं तो वह आप गुरु उसको लगातार अभ्यास कराते रहते हैं कि इस प्रकार से प्रायोगिक प्रयोग कीजिए, इस प्रकार से प्रायोगिक प्रयोग कीजिए, तब वह व्यक्ति साक्षात एक स्थान से दूसरे स्थान तक देखने योग्य हो जाता है। और प्रायोगिक प्रयोग अगर ना किया जाए, रोज रोज अभ्यास ना किया जाए, तो त्रिनेत्र जल्दी ही बंद होने के आसार रहते हैं जो नई नई विद्या को सीखते हैं। तो आज मैं उसका तरीका बताऊंगा कि तीन प्रकार से आप त्रिनेत्र जागृत कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो त्रिनेत्र प्राप्त होता है, जो व्यक्ति जन्मजात ही पैदा होते हैं और त्रिनेत्र को लेकर के ही पैदा होते हैं, प्रथम चीज। दूसरी, आप किसी भी माध्यम से अर्थात अपने चक्रों को जागृत करके त्रिनेत्र धारण कर सकते हैं या उसको प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, तंत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रकार की साधना शक्ति के माध्यम से भी आप जागृत कर सकते हैं। तो प्रथम वाला जो प्रयोग है कि जो जन्मजात जो बच्चा हुआ है उसको वह चीज़ प्राप्त है, तो वह भगवान का आशीर्वाद है, उसके विषय में कोई कुछ नहीं कर सकता। वह ईश्वर की परम सत्य परमात्मा की इच्छा है कि वो किसको क्या देना चाहे, वह उसकी इच्छा है। लेकिन मैं आज यहाँ पर दो प्रकार के प्रयोगों का वर्णन करूँगा। सर्वप्रथम प्रयोग है कि
अपने चक्र को जागृत कर, अर्थात अत्यधिक ध्यान कर, मेडिटेशन कर, आप त्रिनेत्र जागृत कर सकते हैं, जिसके लिए विशेष रूप से अपने चक्रों की तरफ ध्यान देना होगा और उन चक्रों की तरफ कार्य करते हुए त्रिनेत्र को जागृत करना होगा। लेकिन यह दूसरा वाला कार्य बहुत अत्यधिक समय लेता है, अभ्यास लेता है, अनुशासन लेता है और नियमबद्ध बना करके व्यक्ति को कार्य करना होगा, उसके बाद ही वह इसमें सफल हो सकता है। लेकिन जो तीसरा प्रयोग है, जो तांत्रिक प्रयोग है, उसमें किसी प्रकार की सिद्धि या शक्ति या साधना की जा सकती है, चाहे वह आप महाकाली की सिद्धि कीजिए, महाकाल शिव की सिद्धि कीजिए, अन्य कोई ऐसी शक्ति को सिद्ध कर लीजिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान देखने में सक्षम हो, तो आप सीख सकते हैं। दूसरे वाले प्रयोग में जो चक्र का प्रयोग है, चक्रों के माध्यम से त्रिनेत्र जागृत होता है, उसका कोई भी कह सकते हैं कि विश्वसनीयता नहीं है कि आपको त्रिनेत्र जागृत होगा ही, वह आपकी मेहनत लगन पर ही निर्भर करेगा। लेकिन तीसरा वाला जो प्रयोग है, तांत्रिक प्रयोग है, वह उसके माध्यम से आप त्रिनेत्र जागृत कर ही लेंगे। लेकिन दूसरा प्रयोग जो अभ्यास से किया गया है, वह हमेशा निरंतर बना रहेगा, वह कभी आप उसको खोएंगे नहीं, वह निरंतर आपके अंदर विद्य विराजमान रहेगा जब तक आप अभ्यासरत हैं। तीसरा जो तांत्रिक प्रयोग है, उसमें नियम, उस शक्ति का नियम अनुपालन करना अति आवश्यक है। अगर आप उस शक्ति का नियम अनुपालन तोड़ते हैं तो आप वह शक्ति अपनी विद्या फिर से खो देंगे। तो दूसरा जो प्रयोग मैंने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से चक्र की तरफ ध्यान देकर के आप कर सकते हैं, सबसे पहले जो प्रायोगिक प्रयोग होगा वह तराटक के नाम से जाना जाता है, जिसमें तराटक का प्रयोग करेंगे और एक गुरु मंत्र, जो आप गुरु, जो कोई सिद्ध पुरुष हो जिस पे खुद से कोई त्रिनेत्र हो, वह उस त्रिनेत्र का मंत्र जप करके उस गुरु से दीक्षा लेकर के तब मेडिटेशन किया जाए या तराटक शुरू किया जाए तो जल्दी ही सफलता प्राप्ति होती है। ऐसा मैंने अपने बहुत शिष्यों को दीक्षा दी है, बहुत शिष्यों को ऐसा कराया है, लेकिन सबने वो है चीज़ें प्राप्त की हैं और वह सामान्यतः सब चीज़ों को देखने का प्रयास रहते हैं। लेकिन वही है कि जीवन की भाग दौड़, इधर उधर कार्य और इस भौतिकता के जीवन में कोई भी अपने अभ्यास को प्रयासरत नहीं रख सकता, तो वह निश्चय ही अपनी शक्ति को छीन कर लेता है। तो दूसरा जो चक्र प्रयोग है, बहुत ही बहुत सामान्य है कि आप कोई भी सिद्ध पुरुष गुरु धारण मंत्र लेकर के, गुरु की आज्ञा से लेकर के, गुरु का वह दीक्षा संस्कार लेकर के, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर तराटक के माध्यम से प्रयास स्टार्ट शुरू कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो चीज़ों की आवश्यकता हमें होगी वह है कि एक चमेली के तेल का दीपक, एक कांच अर्थात शीशा या मिरर चाहिए होगा और बैठने के लिए एक आसन। किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए सर्वप्रथम जो हमें विद्या सीखनी होगी वह है एकाग्रता। हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में, हमारी आंखों में वह एकाग्रता का अभ्यास हो जाना चाहिए कि 1,00,000 लोगों के बीच में भी अगर मैं किसी चीज़ पे एकाग्र हो जाऊं तो कोई मेरा मन ना भटका सके। यही एकाग्रता है और यही एकाग्रता का सफल मूल मंत्र है कि मैं अगर 1,00,000 लोगों की भीड़ में, उनके शोर में, उनके शराबे में, भोग, अंधेरा हो, रोशनी हो, क्या है, कुछ नहीं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, बस अगर मैं एकाग्र, किसी चीज़ पे एकाग्रता करना शुरू करूं या किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करूं तो पूरी दुनिया मिलकर भी मेरा ध्यान भंग ना कर सके, वही एकाग्रता है। और जब आप उस एकाग्रता को धारण कर लेंगे तो आपको कोई भी चीज़ देखने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने जैसे कि बताया कि चमेली के तेल और दीपक की आवश्यकता होगी, साथ ही रेशम के कपड़ों की दो नॉट अर्थात दो ऐसी पिंडलियाँ, जो पोटली छोटी सी जो कान के अंदर जा सकती हो, हमारे कर्ण में अंदर से प्रयोग करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे, और उस पोटली के अंदर इलायची पिसी हुई, केसर बंद करके मोम टपका करके या मोम से उस पोटली को बंद कर दें और इसी प्रकार से बनाएं कि वह आपके कान में चली जाए ताकि आपको कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे। यह इसलिए करवा रहा हूँ कि
आपको किसी प्रकार का सूर ना हो। इलायची और केसर उसमें इसलिए रखा गया है कि उसमें से पास होने वाली जो शुद्ध वायु है वह मस्तिष्क और कान को शुद्ध अवस्था में बनाए रखे। तीसरी चीज जो होगी कि चमेली के दीपक को प्रज्वलित करके और एकांत कमरे में जहाँ बहुत कम शोर हो, तो शुरू के दिन उसको इस प्रकार से रखिए कि आप स्थल एकदम सीधे बैठ जाएं और उस दीपक पर अपनी नज़र को स्थापित कर पाएं। लेकिन उस नज़र को स्थापित करने पर, अपनी आँखों को उस पर स्थापित करने से पहले या उसको देखने से पूर्व गुरु मंत्र का 108 बार जप कर गुरु आज्ञा लेकर के फिर त्राटक विद्या का प्रयास करें। शुरू के दिन 2 मिनट तक करें, इससे अत्यधिक समय लेना आपके लिए वर्जित है क्योंकि उसके लिए गुरु की आज्ञा आप लेना आवश्यक है। 2 मिनट तक देखना शुरू करें। जब आपको लगता है कि आंखें अब भारी हो रही हैं और आंखों से पानी श्वेत धाराएं निकलनी शुरू हो गई हैं, तो उसको रोक करके वहीं उस दीपक को जला छोड़ करके अपने आसन को मोड़ करके वहाँ उस स्थान से उठ जाएं और एकदम शांत मन से अपने कार्य को करें। ना ही मन में विचार लाएं कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या नहीं किया, और मेरे कोई उतावलापन किसी भी चीज़ का मन में नहीं होना चाहिए। ना ही मन में यह सवाल होना चाहिए कि कब मेरी जागृत होगी, अभी से मैं प्रयास करना शुरू करूं या गुरुजी मुझे आदेश दीजिए कि मैं उसको देखना शुरू करूं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन फिर से 2 मिनट, फिर से 2 मिनट, फिर इसी तरह समय धीरे धीरे बढ़ता रहेगा क्योंकि आँखों से जब पानी आना कम हो जाएगा तो समय आपका निरंतर बढ़ता रहेगा। फिर 20 या 22वें दिन फिर गुरु से आज्ञा लेकर के कहें कि गुरु मुझे पूरे 20 दिन आज इस प्रयोग को करते हुए हो चुके हैं, तो मेरे लिए अब क्या आज्ञा है वह मुझे बताइए। तब गुरु आज्ञा से आप देखें कि किस प्रकार से उसका अभ्यास किया जाए। आंखें बंद करें और किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के विषय में सोचना शुरू करें कि वह व्यक्ति आपकी नज़रों में दिखता है या नहीं दिखता है, ये देखने का प्रयास करें। अगर उस व्यक्ति की छवि आपके मस्तिष्क में विराजमान है, आपको दिखती है, तो आपके लिए यह एक शुभ संकेत है, और ऐसा नहीं दिखता है उस अभ्यास में, तो आप फिर से वह सारी चीज़ें शुरू करिए। लेकिन मैंने अपने शिष्यों को, जिन शिष्यों को यह विद्या सिखाई है या जिन लोगों ने सीखी है, तो 20 या 22 दिन में लगभग सभी शिष्यों ने वह मुझे चमत्कारिक प्रयोग दिखाए हैं। और आज फिर से मैं अपने नए शिष्यों और साधकों को फिर से वही प्रयोग सिखाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तीसरा जो प्रयोग है वह है तांत्रोक्त प्रयोग। वह बहुत कुछ देने वाला है, उससे आपको कुछ विभिन्न प्रकार की शक्ति भी प्राप्त होगी, साथ त्रिनेत्र भी प्राप्त होगा और निम्न प्रकार के ज्ञान आपके मन में, आपके मस्तिष्क में उजागर होंगे। आप में एक विश्वासात्मक शक्ति जो है उत्पन्न होगी, आपका डर लगना, आप एकदम निडर हो जाएंगे, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, शरीर निरोगी हो जाएगा और आप अपने आप को पूर्व शक्तिमान पाएंगे। तो उसके लिए महाकाली की साधना या निधि दर्शन साधना, शनिश्चरा साधना या अन्य भैरव साधना या कोई विशेष मंत्र साधना से आप त्रिनेत्र प्राप्त करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप निरंतर उसको बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहें, अर्थात अभ्यास करते रहें और उस शक्ति का, उस शक्ति को आप सिद्ध करेंगे जो आपको यह त्रिनेत्र प्रदान करेगी, उसके नियमों का पालन करते रहेंगे। किसी पर अनुचित अनुप्राय प्रयोग, किसी को दुख तकलीफ या नुकसान पहुँचा करके आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यह शक्ति आप जब तक जीवित हैं आपके शरीर में विद्यमान रहेगी। तीसरी चीज़ यह है कि जब आप तीसरे प्रयोग से कोई भी शक्ति प्राप्त करते हैं, तो आपके समस्त चक्र खुद ही जागृत हो जाते हैं और आपको कोई भी चक्र जागृत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन त्रिनेत्र का यूज़ अगर आप दूसरे तरीके से, यानी कि दूसरे तरीके से अगर प्राप्त करते हैं त्रिनेत्र, तो आपको जो प्रयोग करना होगा वह सिर्फ इतना है कि जिस व्यक्ति के विषय में आपको देखना हो उसका आँख बंद करके ध्यान करें और वह ध्यान टूटना नहीं चाहिए क्योंकि वह आपको तराटक के माध्यम से इतना स्थापित ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इतना ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आपका ध्यान भंग ना कर पाए। तो वह आपको व्यक्ति प्रत्यक्ष ही
क्या कार्य कर रहा है, किस रूप में है, क्या कपड़े पहने हैं, किस रंग के पहने हैं, वह आपको साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन तीसरे वाले प्रयोग में जब आप तंत्रोक्त के माध्यम से कोई भी त्रिनेत्र प्राप्त करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें उस विशेष व्यक्ति के विषय में पूछनी पड़ती हैं, जैसे उस व्यक्ति का नाम, लेकिन एक नाम के बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो उसकी माता का नाम, माता के नाम के साथ साथ यह भी पूछना पड़ता है कि वह व्यक्ति इस समय किस स्थान पर हो सकता है, या वह इस समय किस स्थान पर है, तब आप उसको देखने के योग्य हो जाते हैं। तो मैं आज फिर से जो मंत्र है वह सभी को प्रायोगिक प्रयोग में बताऊंगा, जो साधक के शिष्य जो है मुझसे सीखे हैं, वह अपने इस ज्ञान को आगे की तरफ बढ़ाते रहें और कोशिश यह करें कि कोई भी कुपात्र इस ज्ञान को प्राप्त न कर पाए, क्योंकि कुपात्र को ज्ञान देने के मैं पक्ष में कदापि नहीं रहता। जय महाकाल, शनि देवता आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय शनि।